जितना टन जो दिन जा रहा है इसका गोबर भी तो खिलाओ ना आरएसएस वालों को, बजरंग दल को, मोदी को। आप बताइए, आज हम ये बातें कहते हैं, हमको किसी का डर खौफ नहीं है, मरना तो बड़ा है, मरेंगे आज नहीं तो कल मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे इज्जत के साथ जिएंगे, सर उठाकर जिएंगे, सर झुका के नहीं जिएंगे। आज इल्जाम लगाते मजलिस क्या करी, अरे कुछ नहीं करी होंगी भाई, कम से कम बोल तो रही है ना, है कोई बोलने वाला? याकूब मेमन की फांसी पर किसने सबसे पहले बोला मेरे भाई, क्या हक है नहीं? अरे आज भी कहता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पुलिस एनआईए एनओसी देती है जमानत के लिए, मुंबई हाईकोर्ट में डालती है कि इनको जमानत दे दो, एनआईए को इतराज नहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर मोटरसाइकिल थी जिससे धमाका हुआ मालेगांव में, मैं आज सवाल करता हूं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए एनओसी जमानत दे सकते हैं, पुलिस कहती है तो फिर रुबीना मेमन को जेल क्यों? रुबीना मेमन के नाम पे भी तो गाड़ी थी ना, इंसाफ का तराजो प्रज्ञा ठाकुर के हक में क्यों झुका हुआ है, ये मेरा सवाल है। कोई जवाब है तो दो, गोधरा के कातिलों को, गोधरा के कातिलों को फांसी की सजा, नरोड़ा पाटिया गुलबर्ग सोसाइटी सरदारपुरे के कातिलों को सजाएं मौत नहीं होती उम्र कैद, ये कौन सा इंसाफ का तकाजा है? अगर गोधरा के कातिलों को फांसी तो एहसान जाफरी के कातिलों को भी फांसी होनी चाहिए, नरोड़ा पाटिया के कातिलों को भी फांसी होनी चाहिए। क्या गलत है मेरा मुतालबा? अच्छे दिन अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन आए? हम तो जैसे थे वैसे हैं, एक क्या इस देश में 10 मोदी जी आ गए तो हम हिलने वाले नहीं है, जाने वाले नहीं है, मगर अच्छे दिन किसके आए, किसके आए अच्छे दिन? गुजरात के वो जालिम 30 पुलिस वालों के अच्छे दिन आए। नरेंद्र अमीन दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए पहले का 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख